नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट, मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई रिलायंस, अब तक 1500 को बनाया गया है निशाना। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच मोबाइल टावरों को पहुंचाए जा रहे नुकसान को लेकर रिलायंस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा है कि कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदियों व निहित स्वार्थों के लिए प्रदर्शनकारियों को उसके खिलाफ उकसाया जा रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस जियो के 1500 के आसपास मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे पहले पंजाब सरकार ने किसानों से आग्रह किया था कि टावरों को नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए अब कंपनी ने अदालत का रुख किया है। दोस्तों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाए गए हैं, इसी वजह से पंजाब में बड़े पैमाने पर रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब तक 1500 के आसपास टावरों में तोड़फोड़ हुई है, जिसके चलते कंपनी को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के जरिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। रिलायंस ने सरकार से यह भी अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और तोड़फोड़ की घटनाओं को पूरी तरह से रोके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उइगर मुस्लिम्स के मुद्दे पर तुर्की में घिरे राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन, जम्मू कश्मीर पर बहाए थे घड़ियाली आंसू। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर कश्मीरी मुसलमानों के लिए काला दिन बताने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन अब अपने ही देश में घिर गए हैं। उइगर मुसलमानों को चीन प्रत्यारोपित किए जाने के समझौते पर तुर्की के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि तुर्की की संसद इस समझौते को मंजूरी न दे, वरना चीन में विगर मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ जाएगा। तुर्की ने वर्ष 2017 में चीन के साथ एक प्रत्यार्पण समझौता किया था। चीन की संसद पिछले सप्ताह इस समझौते को स्वीकार कर चुकी है, जबकि तुर्की की संसद से इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस समझौते के तहत तुर्की में रह रहे कई शरणार्थियों और विगर मुसलमानों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में चीन प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावासोलू ने लोगों के आक्रोश को ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा कि यदि संसद में समझौते को मंजूरी मिल भी जाती है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि सरकार चीन की मांग के मुताबिक सभी विगर मुसलमानों का प्रत्यार्पण कर देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी संख्या में इस महामारी वैक्सीन को लेने से इनकार कर रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, चौंकाने वाले हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने रविवार को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने कहा है कि वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। इसी बीच अमेरिका से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जहां बड़ी संख्या में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों कैसर फैमिली फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि 29% स्वास्थ्यकर्मी टीका लेने में हिचकिचा रहे थे। सर्वे में पता चला है कि स्वास्थ्यकर्मी इस महामारी वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट के कारण चिंतित थे और साथ ही उन्हें सरकार द्वारा वैक्सीन को सुरक्षित बताने के दावों पर विश्वास नहीं था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38 हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में मिले इस महामारी के नए स्ट्रेन से पीड़ित मरीजों की संख्या धीरे धीरे भारत में भी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को दी गई जानकारी के मुताबिक देश में अब 38 लोग इस महामारी के नए स्ट्रेन के शिकार हैं। दोस्तों नए स्ट्रेन के मिलने के बाद केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से यातायात पर पाबंदियां लगाई है, लेकिन नया स्ट्रेन मरीजों के जरिए भारत में प्रवेश कर चुका है। केंद्र की ओर से राज्यों को खास एहतियात बरतने को कहा गया है। इससे पहले दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान ने कहा था कि ब्रिटेन में सामने आए इस महामारी वायरस के नए प्रकार का भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर किया है। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित
परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है। ICMR ने एक ट्वीट में दावा किया कि किसी भी देश ने ब्रिटेन में पाए गए सोर्स इस महामारी के दूसरे नए प्रकार को अब तक सफलतापूर्वक पृथक या कल्चर नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम, बेनामी संपत्ति मामले में करेगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए इनकम टैक्स विभाग की टीम सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस पहुंची। आयकर विभाग की टीम रॉबर्ट वाड्रा से बीकानेर और फरीदाबाद जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। दोस्तों न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आयकर विभाग बेनामी संपत्ति मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। वाड्रा की फर्म सनलाइट हॉस्पिटलिटी पर राजस्थान के बीकानेर और हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन घोटाले करने का आरोप है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, दिल्ली NCR में फिर बारिश, शीतलहर का अलर्ट, जानिए कब तक बनी रहेगी ठंड की ऐसी हालत। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कई हिस्सों में सोमवार को आसमानी गरज के साथ बारिश की हल्की फुहार देखने को मिली, जिसके कारण मौसम और भी सर्द हो गया। हालांकि बारिश इतनी तेज नहीं थी कि तापमान में तेजी से गिरावट आ सके, जबकि मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 5 जनवरी तक बारिश और उसके बाद शीतलहर का अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं दोस्तों 7 जनवरी के बाद यहां के तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसके कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दोपहर को ही संभावना जताई थी कि अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली में आसमानी गरजना के साथ बारिश हो सकती है। शाम 5 बजे तक दिल्ली के कई इलाकों में बारिश जारी रही, आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण भी लोगों को गलन से फिलहाल राहत नहीं है। इसके अलावा बारिश और तेज हवाओं की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, 2021 में सोना तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड्स, 66,000 रुपए तक जा सकते हैं भाव। जी हां दोस्तों, फिलहाल की बात की जाए तो MCX पर सोने और चांदी के रेट पिछले हफ्ते एक दायरे में ही घूमते नजर आए, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत शानदार तेजी के साथ हुई। चांदी के भाव 2% से ज्यादा चढ़े हुए हैं। शुक्रवार को MCX पर सोने का फरवरी वायदा 50,244 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का दाम 53,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि दोस्तों चांदी के ओर रुख करते हैं तो चांदी का भाव 69,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिजली गुल तो मिलेगा मुआवजा, नए नियमों में उपभोक्ताओं को मिली बड़ी ताकत। जी हां दोस्तों, नए कनेक्शन लेने और मौजूदा कनेक्शन में बदलाव के लिए नए नियमों की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, आसान और वक्त पर पूरी होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी दिया जा सकेगा। नए नियमों के मुताबिक मेट्रो शहरों में नए कनेक्शन लेने या फिर मौजूदा कनेक्शन में बदलाव के लिए अधिकतम समय सीमा 7 दिन है। दोस्तों म्युनिसिपल क्षेत्रों के लिए 15 दिन और ग्रामीण इलाकों के लिए यह समय सीमा 30 दिन है। वहीं दोस्तों नियमों के मुताबिक बिना मीटर के कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। नया मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर या फिर प्रीपेमेंट मीटर होना चाहिए। डिफेक्टिव या जले हुए या फिर चोरी हुए मीटरों के रिप्लेसमेंट के प्रावधान भी किए गए हैं। दोस्तों नए नियमों में बिजली के बिल और टैरिफ में पारदर्शिता पर फोकस है। बिलों का ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भुगतान के अलावा एडवांस बिल पेमेंट का भी प्रावधान किया गया है। बिजली वितरण कंपनियों को सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे 7 दिन बिजली सप्लाई करना होगा। हालांकि राज्य आयोग कुछ कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली सप्लाई के न्यूनतम घंटे निर्धारित कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बिजली कंपनियां बिजली सप्लाई देने में नाकाम रहती है यानी कि डिस्कॉम बिजली सप्लाई नहीं दे पाती है तो उन्हें उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। ये मुआवजा उपभोक्ताओं को ऑटोमेटिक तरीके से मिल जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिजली वितरण कंपनियों को 6,000 रुपए प्रतिदिन से लेकर 1,00,000 रुपए प्रतिदिन तक का मुआवजा उपभोक्ताओं को देना पड़ सकता है। इसके लिए कुछ परिस्थितियां भी तय की गई है, जैसे कि अगर बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को एक तय समय के बाद भी बिजली सप्लाई नहीं कर पाती है, अगर सप्लाई में एक तय बार से ज्यादा बाधा रुकावट आती है, कनेक्शन लेने, कनेक्शन हटवाने, कनेक्शन दोबारा लगवाने और शिफ्टिंग में कितना टाइम लगता है, बिल वोल्टेज मीटर से जुड़ी शिकायतों के निपटान में कितना वक्त लिया गया है, यह सारी कैटेगरियां तय करेंगी कि उनको कितना जुर्माना देना होगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर सातवें दौर की बातचीत हो गई खत्म, रही बेनतीजा। जी हां दोस्तों, आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही सातवें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि बैठक में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों पर बातचीत हुई। एमएसपी पर सरकार ने कहा है कि वह 8 जनवरी को बात करेगी, यानी कि दोस्तों फिलहाल तक कुछ भी तय नहीं किया गया है। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि इन कानूनों की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं सरकार एमएसपी पर भी बात करने को तैयार नहीं है, उन्होंने 8 जनवरी को फिर से वार्ता के लिए कहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम मूल्य, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम। अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है तो इससे सरकार को क्या नुकसान होगा, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों यह थी अभी तक की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।